अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब हसन हाशमिया और वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं है तो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को, फॉर बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस प्यार का और आपकी सपोर्ट का। और आज हम आए एक ऐसी जगह पे जिसका मुझे भी नहीं पता था। दैट्स आवर क्रू, दैट्स वी आर गोइंग टुगेदर। दिस इज ताहा। What's your name? My name is Barish. Barish. Mera naam Fazla Singh. Yamur. Yamur. Usame. How are you? Myra. From Sudan? Yeah. Hanif. Hanif from Kyrgyzstan. From Afghanistan. Medina. Medina from South Africa. South Africa. Yeah. Wow, South China. From China. From China. तो हमारे शहर नीदे में सर्दी आ गई है, तो आप देख भी सकते हैं वेदर जो है ना बहुत ही अच्छा है। और हम अभी कहीं जा रहे हैं, जैसे कि आपको बताया कि हमने जाना है साले बाज़ार, साले मीन मंगल बाज़ार। ठीक है, ये सब जा रहे हैं बड़ी शराफत से चल रहे। If you will follow the Google, it will happen like this. If we follow you, so this तो असल में पता है कि हम जिस जगह जा रहे हैं हमें पता भी नहीं है किस जगह जाना है, तो रास्ते का नहीं पता एक्चुअली। तो हम गूगल मैप पे देख रहे हैं कहाँ जाना है, लेकिन गूगल मैप जो है ना उल्टे सीधे रास्ते ही दिखाई जा रहा है। अभी तक तो सीधा रास्ता नहीं दिखा रहा। देखने 17 साल का और ये इसी बच्चे के लिए आया ये बंदा। हम 15 मिनट से बात कर रहे हैं। ईदे एक छोटा सा शहर है, बहुत से लोग ईदे के बारे में नहीं जानते क्योंकि इसमें कुछ जानने वाला है ही नहीं ऐसा। यार हमेशा से मैं तो कोशिश रही है समझे कुछ। ये लौंडा आज हॉर्स राइडिंग करने जा रहा है। जो आखिरी है ना जी, लौंडे को हॉर्स राइडिंग तो आनी चाहिए। वैसे मुझे अभी आपको करके दिखाएंगे। वैसे मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती यार हॉर्स राइडिंग की स्किल है। यार इससे पहले ना मैंने बचपन में डंकी राइडिंग तो की है, हॉर्स राइडिंग भी की। आज करेंगे, देखते हैं कैसे कैसी फील और हो सकता मैं गिर भी जाऊं। पीलीजिएगा डॉक्टर ब्याज आज क्या होता है बिशिता भाई ब्याज अतलार सफेद चिकन दुबे का सारे मेन्यू खोल के बैठे किसी से डिसाइड नहीं हो रहा कि क्या यासी बर्गर मेन्यू यशली हो भाई यशली मिर्चों का यशली डबल बर्गर मेन्यू याशी है वैशी वैशी डबल याशी डबल बर्गर भाई मैं तो ऑर्डर करूंगा बीस ताले टॉप दोन दुर्मा ये क्या होता है वो एक कौन है एक कौन कहते हैं कुल्फी पीना नहीं है
क्या रिवाज बन गया है, ठीक है ना, किसी भी होटल में जाओ तो खुशबू लगाते हैं, कहते हैं खुशबू लगा के खाना भाई ऐसे लगाना, उन्होंने बोला ऐसे खुशबू से क्या होगा, उन्हें लग रहा है यहाँ से फैलेगा ना, ऐसी गंदी बदबू है इसकी, मुझे तो अपने हाथों से नफरत होने लगी। वैसे ऐसे अक्सर हम शादी में बैठते हैं जब खाना खुलने का इंतजार होता है, रोटी खुल गई है और इधर हम बैठे हैं, बाकी सारे तो बैठे हैं पिज्जे के इंतजार में या बर्गर के, हम बैठे हैं अपनी तो दुंदुरमा के इंतजार में। Don't worry, I will eat from everyone. Little, little. Single bite from everyone. रोटी नहीं आ रही है, देख रहे हैं हजारों को, सब फ्री के वाईफाई का पासवर्ड के चक्कर में पड़ गए सामने। उसने क्या कहा है? बहुत आंधी है। किसने सिखाई है ये? ये अलीफ ने सिखाई है, बंदे बनाते ही पाकिस्तानी का सामने। क्या बात हो रहा है? तोप दोंदुरमा मतलब आइसक्रीम की कोन को कहते हैं ये लोग, तोप दोंदुरमा। एक नया लफ्ज़ सीखने को मिला आपको। पहली दफ़ा इस जगह पे आया हूँ और स्पेशली मैं इस जगह इसलिए आया हूँ कि हमारी एक दोस्त है, उसका बर्थडे था, तो वी ऑल गैदर टू सेलिब्रेट हर बर्थडे, स्पेशली फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन, एंड शी इज़ फ्रॉम कजाकिस्तान। मतलब ये एक किस्म का इंटरनेशनल गैदरिंग है, मतलब मोस्ट ऑफ पीपल आर इंटरनेशनल, कुछ पाकिस्तानी, कुछ कजाकिस्तान से हैं और कुछ उज़्बेकिस्तान से हैं और कुछ तुर्कमेनिस्तान से हैं, तीन कंट्री से मोस्ट पीपल है। और ये आप जगह देख सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है, स्पेशली इस तरह की जगह पे ना टर्किश मैरिज होते हैं, ये एक किस्म का मैरिज हॉल है और यहाँ पे मतलब ये मैरिज हॉल है और यहाँ पे सिटिंग होती है, स्पेशली वहाँ पे ब्राइड में ब्राइड और दूल्हा, दूल्हे को क्या कहते हैं यार इंग्लिश में, ग्रूम, ग्रूम, हाँ ग्रूम, ग्रूम बैठते हैं और दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं और यहाँ पे हम ऑडियंस बैठते हैं, हमारा भी नंबर आएगा कभी किस्मत से, लेकिन तहा के बाद आएगा मुझे लग रहा है, तहा के बाद आएगा हमारा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी जगह, स्पेशली इनका जो मैरिज कल्चर है ना वो बहुत ही डिफरेंट है और अच्छा है, मतलब ये ज़्यादा खर्चा नहीं करते खाने पीने पे, जिस तरह हमारे में होता है लाखों करोड़ों लगा देते हैं, हम सिर्फ लगा देते हैं खाने पे, बहुत से पैसे लगा देते हैं, यह सिंपल सा, यहाँ पे दूल्हा बैठेगा, दूल्हा बैठेगी, म्यूजिक चल रहा होगा और बस यहाँ पे ये डांस करेंगे, ये जो स्पेशली है ना इनका कल्चरल डांस होता है वहाँ पे, ये डांस करते हैं स्पेशली, और कुछ नहीं, बस लोग आते हैं उनको हदिये देते हैं, यहाँ वो भी नहीं है, यहाँ पर नींदर दे दो और वो उस तरह के जो हमारे कल्चर हैं, खाना खाने आ रहे हो तो 400 दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, यहाँ सिर्फ ये है कि सोने के सिक्के ले आते हैं और दुल्हन को और दूल्हे को दे देते हैं स्पेशली, और आज भी यहाँ पे कोई फंक्शन है लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। लेट्स गेल मैम, लेट्स गेल। Nasılsınız? Oo, güzel, güzel. Nasıl gidiyor? Şeker, şeker. Şeker gibi, öyle mi? Vay 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 vay. Şeker. Sizin mi? Yok, bu doktorumun. Ha, doktor. Evet, tamam.
Siz ne kadar para alıyorsunuz? Ben doktorum ha. Bir ay için. Pakistan'da o nesil ailenin her şeyi alıyor mu? Yok, sigorta yapıyor. Ha, sigorta her şey var. Yine iş var, doktorum ailesi. Mezun oldum, mezun oldum. Siz Pakistan'da hakkında ne düşünüyorsunuz? Kardeş ülke olarak görürüz Pakistan'ı. Türkçe bilirler mi? Evet bilir. Abi ben çevireceğim sorun değil. Abi, biz kardeş ülke olarak görürüz Pakistan'ı. Bizim kardeşimiz. Her zaman öyle gördük yani. Kurtuluş Savaşı'nda bize büyük yardım etmişler. Doğru. Biz de çok seviyoruz Türklerde. Bir Türk ülkede çok seviyoruz. Aslında Pakistan'da ikinci ev Türkiye. Böyle düşünüyorlar biz. Biz böyle düşünüyoruz çünkü insanlar kan sıcaklığı burada da orada da Pakistan'da kan sıcaklığı. Kesinlikle. Evet, kesinlikle doğru. Yani biz kardeş olarak görürüz çünkü bize anneler bileziklerini göndermişler. Para gönder Kurtuluş Savaşı. Biliyoruz. Onun için bizim için Pakistan farklı bir yer. Afganistan da aynı şekilde. Evet. Maalesef Afganistan'ın sorun oldu. इस पाकिस्तानी भाई मुल्क है और इन्होंने हेल्प की थी इवन इनकी औरतों ने अपने जेवर उतार के दिए थे तो ये है हमारा तल्लुक इस मुल्क के साथ और ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इस रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एक इंसानों की तरह इस मुल्क में रहें और अपना मुल्क समझ के इस मुल्क में रहें तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग ये नॉर्मली तो मैं ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ लेकिन यह किस्म की गैदरिंग थी तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए इसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए और ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो हम रहते हैं और ये आने वाले वक्त में हमारी यादें हैं और या समझ रहे हैं कि एक किस्म की मेमरीज़ हैं और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर देना अगर पसंद आया तो लाइक करना और अपना प्यार नीचे कमेंट्स में ज़रूर पेश करना बयान करना अपने लफ्ज़ों में जैसे भी आपके लफ्ज़ों में तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर सपोर्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार का और सपोर्ट का लव यू ऑल